हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हर कोई अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम आदमी तक कोरोना के खिलाफ इस जंग में योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। ऐसे ही एक योद्धा से हम आपको रूबरू करवाते हैं, जो रोज कोरोना वायरस के संभावित खतरे के साथ 200 किलोमीटर का सफर करते हैं। जिला बाड़मेर अस्पताल में नियुक्त कार्मिक प्रेम सिंह निमरोही नामक एक लैब टेक्नीशियन 19 तारीख से बाड़मेर से जोधपुर लैब तक कोरोना के सैंपल ले जाने की ड्यूटी निभा रहे हैं। हालांकि उनके परिवार के लोग उनकी ड्यूटी को लेकर टेंशन में हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या ये वायरस आपको टेंशन में डाले हुए हैं, तब उनका कहना था कि देश के लिए काम करने का अवसर उन्हें मिला है और पूरी तालीमता से वो ये काम कर रहे हैं। उन्हें किसी बात का भय नहीं है। रोज बाड़मेर अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए एक ड्राइवर बाला नाम और लैब टेक्नीशियन प्रेम सिंह निमरोही जोधपुर जाकर सैंपल टेस्टिंग करवा कर वापस लौटते हैं। असल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अगर इनको परिभाषित किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए लैब टेक्नीशियन प्रेम सिंह ने ये कहा। इससे पहले भी मैं टीवी के अंदर काम करता था, तो मन के अंदर एक सेवा भावना है कि हम देश के लिए कुछ कर गुजरे, तो ये हमको एक मौका मिला है लोगों की सेवा करने का। डर बिल्कुल नहीं है, बल्कि यार दोस्तों का आशीर्वाद और सहयोग से मतलब मुझे नई ऊर्जा भरी जा रही है। मतलब मेरा संदेश यही रहेगा कि राज्य सरकार की जो हमारी गाइडलाइन है कि निश्चित दूरी बना के रखें, भूखे पेट ना रहें और ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर नहीं निकले, एक वही बात रखें मतलब, तो हम बहुत ही जल्द इस जंग को जीतेंगे और सॉलिड जीतेंगे। बाड़मेर से जागरूक टीवी के लिए दुर्ग सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।